आज एक नए ईटीएफ की बात होगी और ईटीएफ का इंट्रोडक्शन जरा अलग सलीके तरीके से दिया जाएगा। अभी तक मेरे मुंह से आपने वो डायलॉग सुने होंगे जो फिल्मों में आए हैं, जो लिखे गए हैं। इस ईटीएफ के लिए एक डायलॉग से शुरुआत करते हैं। हीरो विलेन से बोलता है, महोदय जो आप में इतनी अकड़ समाई हुई है ना, इतना फौलाद भर देंगे कि आप उठना बैठना लेटना सोना सब भूल जाएंगे। जी हां, आज बात हो रही है फौलाद ईटीएफ की। जिसका सीना है फौलाद का, वो फौलाद ईटीएफ में काम करेगा, क्योंकि रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई है ईटीएफ और सिक्लिकल भी है। तो आज वीडियो में इसकी चर्चा होगी और आने वाले टाइम में हम आपको दो तीन ईटीएफ ऐसे बताएंगे जिसमें स्विंग किया जा सकता है, लेकिन पोजिशनल तरीके से। साल 6 महीने अगर देंगे नहीं, अगर मैं दूंगा तो अच्छा पैसा कमाऊंगा। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो का आनंद लीजिए, उसके पहले चैनल को, आनंद भाव को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारा फ्री टेलीग्राम है, जब तक अस्तित्व में है टेलीग्राम ऐप इंडिया में, तब तक के लिए ज्वाइन कर लो। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस ईटीएफ की बात कर रहे हैं उसको हम फौलाद ईटीएफ कहते हैं। आप कहते होंगे कोड वर्ड में बात करते हो, क्यों नाम दे देते हो? यार, विषय को थोड़ा सा रोचक और रुचिकर बनाना चाहिए। हम विद्या मंदिर में पढ़े हैं, हमारे एक आध आचार्य जी होते थे तो विषय को इतना कहानी में करके बताते थे कि विषय कभी विस्मृत ही नहीं होता था, हमेशा मानस पटल पे वो चिन्हित हो जाता था, हस्ताक्षरित हो जाता था, हमेशा के लिए वो जज्ब हो जाती थी बातें, कुछ भूलते नहीं थे हम। क्या हमारे जैसे बहुत सारे जो हमारे सहपाठी थे, वो कहानी के हिसाब से जब पढ़ाया जाता था विषय तो याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था, मेमोराइज हो जाता था। तो वैसे ही ईटीएफ, देखो ईटीएफ पॉपुलर होता चल रहा है। पिछले 4 साल से कह रहा हूं, जब ईटीएफ, कई ईटीएफ नहीं आए थे, सिल्वर ईटीएफ नहीं आया था आपका, फार्मा ईटीएफ नहीं आया था, कई ईटीएफ नहीं आए थे। हम कहते थे इन ईटीएफ की मुझे तलाश है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में जब मैंने थीमेटिक इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने म्यूचुअल फंड में किया था, ईटीएफ ही नहीं था। सिल्वर का ईटीएफ नहीं था, गोल्ड का ईटीएफ था जरूर, पुराना 2008 से गोल्ड, वो यूटीआई गोल्ड शेयर में करते थे, फिर निप्पॉन का आ गया था। अब तो आईसीआईसीआई और मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस, वो बहुत एक्टिव है, उनके बहुत ईटीएफ आ गए और अच्छी बात है। आप में से कितने लोगों को ये याद है कि मैंने बोला था कि ईटीएफ भारत का भविष्य है, इंडियन इक्विटी मार्केट का फ्यूचर है ईटीएफ, बहुत पॉपुलर होगा। देखिए होता चल रहा है, अब जैसे जैसे बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलर होगा और इस सागर में एक बूंद का सहयोग हमारा भी होगा शेयर मार्केट में, कि हमने भी ईटीएफ को थोड़ा सा पॉपुलरिटी दिलाने में अपनी मेहनत की है। आज नहीं तो शायद कल आप लोग इस बात को रियलाइज करेंगे कि एक आनंद भाव थे जो कुछ सही चीज बताया करते थे। तमाम लोग कहते हैं कि सर को घाटा हो गया इसलिए बता रहे थे, बबल आया अभी लास्ट वीडियो जो आया था, हम पे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ रहा, हमारी कट गई, हम बता रहे हैं, मन होगा तो बताएंगे, नहीं बताना भी बंद कर देंगे। हमारी सेहत पे बिल्कुल असर नहीं है, मार्केट आज 0 हो जाए तो भी असर नहीं है और बढ़ जाए तो भी असर नहीं है, क्योंकि बाजार को खूब अच्छी तरह से तसल्ली से समझ लिया है हमने और उस तरह से काम कर रहे हैं। हमने अपना रिस्क कैलकुलेट कर लिया है, नए रणबांकुरे जो आए हैं उनको कैलकुलेट करना, उनको अपनी कैपिटल को एलोकेट करना है सही। हमारा सारा एलोकेशन परफेक्ट है, हम 30 साल से हैं तो सारी कैपिटल को कायदे से, सारे अंडों को अलग अलग टोकरियों में स्थापित कर रखा होगा ना, इतना तो कर ही रखा होगा, ऐसी तो आशा आप लोग करते हो, बिल्कुल सही आप समझते हैं कि ऐसा हमने कर रखा है। बाजार गिरेगा तो किस तरह से काम करेंगे, बाजार उठेगा तो किस तरह से काम करेंगे। कोई हमसे कह रहा था कि यार 20,800 की बात करते हो, कभी 32,000 की बात करते हो, भैया ये दोनों तरह की बात नहीं करते हैं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। 20,800 आएगा तो दम लगा के खरीदेंगे, 32,000 तक जाएगी निफ्टी तो दम लगा के बेचेंगे, 26,000 तक जाएगी दम लगा के बेचेंगे, ये काम करेंगे ना, दोनों काम करेंगे।
रैली हमारी कहीं छूटी नहीं है। एक बात और यही बता दें, वैसे अलग वीडियो में भी बता देंगे, हमने ही बोला था कि पहले पानी बरसेगा और फिर आग, तो पहले पानी बरसा, राहत दी आपको पोर्टफोलियो में, लेकिन जो आग बरस रही है, बारिश के बाद जो आग बरसती है वो बहुत ज्यादा सुलगती है धीरे धीरे। तो जो रेलवे डिफेंस में आप सोच रहे हैं रिकवरी हो गई है इतनी जल्दी, हो सकता है वो आपको मायूस कर दे। तो अगस्त में जो आग बरसेगी उसकी गर्माहट और जलन आपको अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर तक, इलेक्शन का रिजल्ट जब आ रहा होगा नवंबर दिसंबर में, तब तक महसूस होगी। चिंता मत करिए, ये जो आग बरस रही है इसकी गर्मी का भी एहसास नहीं, क्योंकि बारिश के बाद बरसी है तो थोड़ी सी सुलगने में टाइम है। धुआं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा तो हमें दिखाई पड़ रहा है। पोर्टफोलियो में काफी कुछ लालिमा है, बैंक के शेयर चले नहीं है, और जो शेयर चले हैं फार्मा केमिकल वो आपके पास बहुत सारे थे नहीं। आईटी पे आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आईटी सेक्टर में तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। आईटी बीस पे अब लेटेस्ट वीडियो आने की फिर बारी आ गई, क्योंकि उसने नया हाई बना दिया निफ्टी आईटी ने, तो उस पर भी बात होगी आईटी बीस में नेक्स्ट वीडियो पे, और सबने विश्वास नहीं किया। तो चीजें तो बढ़ी हैं स्टॉक्स, लेकिन वो स्टॉक्स पब्लिक के पास है नहीं, तभी भाग भी रहे। पब्लिक के पास होते तो पहली पहचान है वो शेयर चलते ही नहीं। देख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में अधिकतर शेयर हैं जो चल ही नहीं रहे, एकाध चल रहे हैं। बहरहाल मुद्दे पे आ जाते हैं, फौलाद ईटीएफ। फौलाद ईटीएफ किसको कह रहा हूं? बिल्कुल सही समझे आप, 99% लोग सही समझ गए हैं, मेटल ईटीएफ की बात हो रही है। मेटल ईटीएफ की भी बहुत दिनों से बेचैनी थी, या कहो इंतजार था कि यार आ जाए, तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड लाया इसको, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मेटल ईटीएफ। इसका सिंबल हम यहीं चिपका देंगे वीडियो में, मेटल आई ईटीएफ इसका सिंबल है, और करीब आज 9.5 रुपए चल रहा था, 9.44 या 9.45 या 9.50 ऐसे ही चल रहा होगा। अभी आया था 1 अगस्त को, 13 अगस्त को लॉन्च हुआ है, और लिस्टिंग इसकी 20 अगस्त को हुई है। हमने इसमें खरीदारी की है, मेरा डिस्क्लेमर है कि मैंने इसमें खरीदारी की है। ईटीएफ कोई भी नया आता है उसमें थर्मामीटर लगाता हूं, पहले मैं खरीदारी करता हूं, और 10-20-25 पैसे की बढ़त है। 9.16 पे भी खरीदा है, 9.17, 9.18, 9.20 पे भी खरीदा है, खरीदारी करते चल रहे हैं। अब मेटल में एक बात समझो आप, मेटल ईटीएफ इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर फेड रेट कट करेगा तो गोल्ड सिल्वर भी भागेंगे और मेटल में भी रैली आएगी। और हम कहते हैं कि अगर रेट कट नहीं भी करेगा, मान लो 1% मान लो नहीं किया, 99% सब कह रहे हैं करेगा, 1% नहीं किया, तो मेटल औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि उसके पहले कुछ रैली कर चुके होंगे स्टॉक्स, क्योंकि भाई वो एक होता है ना कि पहले से आशा है तो कुछ रैली कर लो फिर देखा जाएगा, तो वो गिर पड़ेंगे। अच्छी बात है, हमारे लिए फायदा है। अब मेटल ईटीएफ किसको फॉलो करता है? मेटल ईटीएफ मेटल इंडेक्स को फॉलो करता है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स है, उसमें 15 मेटल के स्टॉक्स हैं, जिसमें मेटल एंड माइनिंग करीब 83% का वेटेज है, और मेटल रिलेटेड ही जो सर्विसेज हैं उनका 17% का वेटेज है इंडेक्स में। और इस मेटल इंडेक्स में 15 स्टॉक हैं, टोटल 15 स्टॉक्स हैं। जो भी स्टॉक गड़बड़ करता है वो इस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो अंदर कर दिया जाएगा। तो इंडेक्स के खराब होने की तो बात ही नहीं होती है, कभी भी कोई भी इंडेक्स गड़बड़ नहीं होता है। जो स्टॉक उसमें परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसे बाहर कर दिया जाता है और नया स्टॉक उसके अंदर हो जाता है, सीधी सी बात, इतना समझ लीजिए। तो पैसे तो जाने नहीं है, हाँ क्योंकि ये मेटल ईटीएफ है तो हो सकता है साल 6 महीने परफॉर्म ना करे, ये हो सकता है ये परफॉर्म ही ना करे, क्योंकि साइक्लिक है मामला, कभी चला ये सेक्टर थीमेटिक टाइप चलना शुरू है तो मेटल भागते ही रहते हैं। जैसे बीच में आपने देखा था 2021 में भागे, फिर 1-8 साल नहीं चले, फिर इस साल चले, तो इसी तरह से चीजें चलती रहती हैं इसमें। लेकिन यह हमारे फायदे की बात है अगर हम इसमें पोजिशनल ट्रेड लें। मैंने इसमें यह सोचा है कि पोजिशनल ट्रेड लूंगा, अब मैं मेटल में डायरेक्ट कुछ शेयर्स में काम नहीं करूंगा, या करूंगा भी तो बहुत नीचे गिरे होंगे, या कभी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चार्ट के पीछे का ड्रोन व्यू दिखा तो ले लूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। किस किस शेयर्स में नहीं काम करूंगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एपीएल अपोलो पहला शेयर, बड़ा फेवरेट शेयर है, खूब चला भी, वो भी इस इंडेक्स में शामिल है, मेटल ईटीएफ मेटल इंडेक्स में। अच्छा ये मेटल इंडेक्स भी बराबरी से चल रहा है,
आज भी ये 9400 था, 9400 समथिंग था, और 9.4 समथिंग क्या होता है मेटल ETF की एनएवी थी, मतलब प्राइस, शेयर प्राइस था, एनएवी क्या शेयर प्राइस था यहाँ पे, तो दोनों बराबर ही चल रहे हैं, मतलब निफ्टी मेटल इंडेक्स को फॉलो करता चल रहा है ये मेटल ETF, मेटल IETF, हम हमेशा इसको आपको टेलीग्राम में फौलाद ETF ही कहते मिलेंगे, फौलाद ETF है ना, सीना है फौलाद का, तो गोली क्या करेगी ऐसा। तो पहला इसमें स्टॉक हो गया APL अपोलो, और दूसरा हमारा वही छेनू, जिसको हम छेनू कहते हैं, अदानी इंटरप्राइज भी इसी में है। अब ये कैसे, ये ना पूछिए, हो सकता सर्विसेज वाले सेक्टर में हो अदानी इंटरप्राइज, या कहीं माइनिंग वाला चक्कर ले रखा हो इनका, तो अचानक खुलता है कुछ बहरा। कोल इंडिया है इसमें, कोल इंडिया में जो काम करना चाहे वो यहां करे। अब डिविडेंड वाला नहीं चक्कर रहेगा, यहां डिविडेंड नहीं मिलेगा कि आप सोचो जो शेयर इसमें है उनका डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड के लिए आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि इतनी बार स्विंग कर लूंगा कि वो डिविडेंड की बराबरी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना। और हम डिविडेंड के चक्कर में नहीं पड़े, हम यहां साइजिंग के चक्कर में पड़े। आपको स्पष्ट बता दूं कि मेटल ETF मैं साइजिंग के लिए खरीद रहा हूं, एक बड़ा चंक खरीदूंगा धीरे धीरे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेटल का पूरा झोला जो मतलब रेशियो है पोर्टफोलियो को यहीं से भर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर मुझे ये आशा है कि मैं इसमें से सालाना 20-22% कमा लूंगा, ऐसा मुझे लगता है, जो भी लगता है वो मुझे लगता है, जो भी ओपिनियन राय है वो मेरी है। आपको कुछ भी खरीदारी करनी हो या मुझे कॉपी मत करिए पहले, तो जो भी खरीदारी करनी हो अपना प्रॉपर रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस पूछो, वहां खरीदो, ठीक है कि नहीं। तो कोल इंडिया हो गया, तीन शेयर बता दिए, APL अपोलो, अदानी इंटरप्राइज, कोल इंडिया। फिर आ गया इसमें हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक और हिंडालको, ये दोनों शेयर भी हैं इसमें। तो इसमें जो सारी जॉबिंग होती है, देखो पर्टिकुलर शेयर में गेन अच्छा मिलता है लेकिन रिस्क भी होता है, अचानक गिर जाए। हिंडालको को हमने 40 रुपए भी बिकते देखा है 2008 के बाद, 40 रुपए, 35 रुपए, और आज आप हिंडालको का भाव देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना भाव है। और वो शेयर जब गिरा था तब भी 400 रुपए से ही गिरा था। तो इस किसी भी मतलब मुंगेरी लाल का कोई सपना मत देखिए कि यहां पे आप बच जाएंगे, अगर शेयर गिरेगा तो बहुत पीटेगा, ये याद रखिएगा। ETF भी गिरता है लेकिन ETF में उठने के चांसेस है, इंडेक्स तो उठेगा ही आज नहीं तो कल, लेकिन इंडेक्स का कोई ऐसा शेयर अगर पिट गया और ना उठा 2-3 साल तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उठेगा वो भी, हर शेयर अगर अच्छा है तो वो उठेगा, 10 साल लग जाए चाहे। जैसे एक वोकार्ड फार्मा था भाई साहब, 2008 में चले नहीं रहा था, 2008 में एक चीज और नहीं चल रही थी, ये जो HPCL BPCL आप देखते हैं ये भी नहीं चल रहे थे, लोग बड़े पोजीशन बना रहे थे, बाद में तेल कंपनी चली, तो चलते नहीं कभी कभी कुछ शेयर। अच्छा इसमें JSW स्टील और जिंदल स्टील भी है, ये दोनों शेयर्स भी हैं इसमें। मोइल भी है, MOIL मोइल भी है, NMDC भी है इसमें, नालको भी है, नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नालको भी है, और रत्ना मनी मेटल्स भी है, काफी पॉपुलर था इसीलिए तो इंडेक्स में शामिल हुआ, जो परफॉर्म करें जैसे APL अपोलो परफॉर्म किया, दोनों शेयर आए इसमें। इसके बाद जो कान से निकाल दे तेल वो है सेल, वो भी है इसमें, टाटा स्टील भी है, देखिए NMDC भी है जो हमने बताते हैं लोखंड जिसे बोलते हैं वो भी है इसमें, टाटा स्टील भी है, सेल भी है, और क्या है इसमें, वेदांता भी है, VDL जिसे बोलते हैं, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों है इसमें, दोनों इंटरकनेक्टेड है ना, एक से डिविडेंड लेते हैं अग्रवाल जी, फिर दूसरे में देते हैं, फिर कर्जा उतारते हैं, सारी कहानी आप तो यूट्यूब में सब जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हम तो बस नॉर्मल सी चीज बता रहे हैं, हम वो सारी पढ़ाई आपको नहीं बताते जो और यूट्यूबर सब सिखा पढ़ा देते हैं, हम बार बार वो क्या रिपीट करें, आप कहोगे यार वही रिपीट कर रहे हो जो दूसरे लोग बता ही देते हैं, आधा काम तो और यूट्यूबर कर देते हैं, हम तो आपको एक साइकोलॉजी समझाते रहते हैं। और आखिरी शेयर है इसमें वेल्सपन कॉरपोरेशन, ये भी खूब चला पिछले साल 1.5 साल से। तो इस तरह से ये 15 शेयर हैं इसमें मेटल ETF, मेटल IETF, फौलाद ETF। वैसे अगस्त में कई तरह के ETF, थीमेटिक ETF लॉन्च हुए हैं, एक एक करके मैं सब बता दूंगा आपको, और उनका एक नाम भी रखूंगा, नाम मैं अपने लिए रखता हूं, बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें तो सब पता ही चल जाता है कि कौन क्या नाम रखा गया। शेयर मार्केट में आए तो पैसा कमाने आए हैं, कोई कह दे कि शेयर मार्केट में भजन करने आए तो भजन नहीं करने आए, भजन तो जीवन में होता है, वो आप करते नहीं हो, आपको तो सिर्फ आंखों में वो वाले बाल लगे हैं जो मतलब सेंसर लगे हैं जो सिर्फ पैसा देखते हैं, नाक में वो बाल हैं जो पैसा सूंघते हैं, और बोलना भी आप तब पसंद करते हैं किसी से जब आपको पैसे चाहिए होते हैं,
और जो कान है वो आपके श्रवण ही करना चाहते हैं कि कोई बता दे यहां से पैसा आया वहां से पैसा आया, ये कलयुग है ना। और ध्यान में तो भगवान का भी जब ध्यान करते हैं तो आपको पैसे का ध्यान आता रहता है, तभी तो भगवान का ध्यान करने जाते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, मेरे परिवार को सुखी रखना सुरक्षित रखना प्रभु ये लो दान दक्षिणा। भगवान कहता कोई मोहब्बत करने वाला नहीं आता यार, कभी दुनिया भर के कहानी बताने वाला आता है, या तो रो रहा होता है या हमको समझा रहा होता है या सोर्स लगा रहा होता है कि ऐसा ऐसा कर दो। भगवान मंदिर में तो ऐसा कर रहा था, बाहर बताता मैंने देखा सब मेरा ही जलवा है जलवा ऊपर वाले का है, हम लोग बस उसको अपना नाम टैग लगा के चला रहे हैं। तो मेटल ETF में एग्जिट लोड भी नहीं है म्यूचुअल फंड की तरह, जब चाहो तब खरीदो। कई बार बता चुका हूं लेकिन वो मंत्र है, उनको जितनी बार जपोगे सिद्ध हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी है और शेयर जैसा मजा है ETF ट्रेडिंग में। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग इनकी ये NSE BSE में होती है, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड में कोई अकाउंट नहीं चाहिए होता, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट होता है काम, एजेंट के थ्रू भी होता है, और उसकी NAV शाम को अलॉट होती है। ETF में आपको ये फायदा है कि आपने ETF खरीदा, ऊपर नीचे रेट हुआ तो आप उसको इंट्राडे भी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। और हो सकता है जैसे बाजार अचानक गिरा, मान लो मेटल ETF ही है, 9.25 रुपये भी मिल जाएगा आपको, शाम को बंद होगा 9.5 रुपये, तो आपको म्यूचुअल फंड में जो NAV मिलेगी वो 9.5 रुपये की मिलेगी। लेकिन क्योंकि रियल टाइम ट्रेड हो रहा था, आपने ETF यहां खरीद लिया मेटल का, तो आपको क्या फायदा हुआ, 9.25 का खरीद लिया। ये म्यूचुअल फंड और ETF का बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन फिर यहां आपको डीमैट अकाउंट भी खुलाना होगा, थोड़ा सा देखना भी होगा। म्यूचुअल फंड में तो वो लोग काम करते हैं जिनकी नौकरी पेशा है, अपना सिप हो रहा है मंथली वीकली ईयरली तो नहीं होती ना, मंथली और वीकली होती शायद, या जो डेट दे दो मंथली तो होती, हर मंथ में एक सिप। वैसे जब से ये लॉन्च हुआ है मेटल ETF थोड़ा माइनस ही चल रहा है, लेकिन मौका यही है, सिप करता चलूंगा। मेटल ETF बड़े आराम से मैं 12-13 रुपए का तो नहीं, लेकिन 11 रुपए का भी अगर बेच दूंगा तो भी 10% हो गया। ये तो 9 रुपए की चीज है ना, 1 रुपए बढ़ेगा तो 10% है, 3 रुपए बढ़ेगा तो 30% है। तो 1-1 रुपए का ऊपर नीचे काम करेंगे, लेकिन साइजिंग हम बड़ी करके चलेंगे, अपनी पर्सनल साइजिंग बड़ी करके चलेंगे तभी मजा आएगा। शेयर अगर 10-5 हजार होंगे तभी खेलने का मजा है इसमें, और 6 महीने से 1 साल का धैर्य हो तब मजा है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये गिर भी पड़े, जैसे ये इंडेक्स पहले तो चलता था 1200 ही, 1200-1500-1800 चल रहा था 2020 के पहले, फिर 2020-22 के बाद ये 5-6 हजार चला, जब वो 2021 की तेजी आई, इसके बाद इसने जो नेक्स्ट लेग लिया तब ये 9.5 हजार मतलब 10 हजार तक गया था। ऑल टाइम हाई शायद 10 हजार के ऊपर है निफ्टी मेटल इंडेक्स का। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये गिरा भी 9.25 से तो 6.25 तक गिरेगा, क्योंकि मेटल इंडेक्स भी 6.5 हजार आएगा या 5.5 हजार आएगा तो भी 4 रुपए गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके समाई हो, क्योंकि ये रिस्क वाला है, मान लो 2 रुपए गिर जाए और आपकी पोजीशन टाइट हो, मान लो आपने 10 हजार शेयर खरीद रखे, 2 रुपए गिर जाए तो आपको तो 20 हजार का नुकसान दिखेगा। जिसको इतना नुकसान देखने की क्षमता है वो तो खरीदारी करे, अन्यथा बिल्कुल ना करे। और मेरी तो कतई राय नहीं है कोई बाई सेल रिकमेंडेशन। हाँ, मेरी क्षमता है, मैंने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया है कि अगर ये 5 रुपए तक आया त्रिपाठी जी तो हम खरीदारी करेंगे। आखिर फौलाद ETF है भाई, तो आपकी छाती भी तो फौलाद जैसी होनी चाहिए, आप भी तो मजबूत होने चाहिए कि डर पड़ेंगे, और डर भी पड़ेंगे तो फिर धीरज करेंगे क्या, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 3 इडियट में बोलता है, तो उस तरह से काम किया जाएगा। तो इतनी सी बात थी, ये छोटा सा ETF आपको बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, पोजीशन में बना रहा हूं, पहला प्रॉफिट आएगा तो टेलीग्राम पे सूचित भी करूंगा कि प्रॉफिट कमाया। और सीधी सी बात है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब उल्टा पलटा कर लेना, वो तो दिखेगा आपको भी जब प्रॉफिट, जब 9.25 से चीज 10.5 होगी तो आपको भी दिखेगी, हमें भी दिखेगी। अगर बाजार में तेजी है, अगर फेड रेट कट करेगा तो ये भी चलेगा, अच्छा चलेगा, उसी आस में हमने भी खरीदा है इसको। और अगर जरा सा भी गड़बड़ाएगा ETF तो नीचे भी खरीदारी करेंगे, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा मन बना रखा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार, शब्बा खैर।